नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर जारी एक अहम जानकारी की। ये आप लोगों से जुड़ी है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना भी चाहिए और इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये निश्चित तौर पर जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कौन से लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके बारे में तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी गाइडलाइन आई है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन किसी भी सूरत में ना लगवाएं, और अगर उन्हें लगवानी भी है और वो किसी और दवाई का सेवन पहले से कर रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो पहले इसको लेकर के मेडिकल कंफर्मेशन ले लें और उसी के बाद दवाई लगाने का काम जो है वो शुरू होगा। तो इसमें जिन्हें एलर्जी की शिकायत रही है, बुखार होने पर ना लगवाएं, ये भी कहा गया है। और भारत बायोटेक के मुताबिक ही ये सारी की सारी जानकारी निकल कर आई है। जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं वो भी इसे ना लगाएं। गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं गर्भवती महिलाओं को लेकर के इसका जिक्र है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मामलों में नहीं लगवानी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट के तहत इस वक्त पे जा रहे हैं और आप ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो पहले इसके लिए जो है एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। जब आप वहां जा भी रहे हैं कोविड सेंटर में तो वहां पर भी प्रैक्टिशनर्स को आप पहले से बता दें कि आप इस वक्त पे ये दवाइयां ले रहे हैं या इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उसके बाद इस चीज को लेकर के आपको जो उचित दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे, जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो का साझा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा जानकारी से भरा वीडियो है। अपने आप जानकार होइए और औरों को भी जानकार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।